बहुत खराब हो गई। टुटू का पराठा में। रेडी गो। हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह। एंड गुड मॉर्निंग, मेरा नहाना धोना सब हो गया है, मैंने पहनी है अपनी ये वाली साड़ी। एंड पूजा वगैरह सब मेरी हो गई है, कान्हा जी को भी स्नान करा दिया है मैंने, वानी के डैडी ड्यूटी चले गए हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, और कान्हा जी को दिया है मैंने दूध, कान्हा जी पी रहे हैं दूध। दूध में मैंने डाला है चुलाई का लड्डू एंड कान्हा जी पी रहे हैं दूध। राधे राधे कान्हा जी, कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। और कान्हा जी का भी व्रत है, जब तक मेरा व्रत होता है तब तक मैं कान्हा जी का भी व्रत रखवाती हूँ। एंड आज है सेकंड, नवरात्रों का सेकंड दिन है आज, जैसे कि आप सबको पता ही है। और फिलहाल मुझे भी लगी है भूख, मैं भी दूध पीने जा रही हूँ अपना। आइए आप सब भी, ये हमारा व्रत वाला नाश्ता ही समझिए, नाश्ता कर लीजिए। तो दीदी मम्मी दवाई दे रही, तो देखिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मम्मा चैनल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दोपहर हो रही है और अभी हम खिलौने खेल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मा की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। अभी मैंने मम्मा को दवाई दी है, देखते हैं कितनी देर में आराम मिलेगा। अभी मम्मा सो गई है दवाई लेके। बाय बाय फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मा की तबीयत, मम्मा ने काम भी बड़ी मुश्किल से किया है। तब लोग मैं यहीं पे शूट कर रही हूँ और मम्मा की तबीयत खराब हो रही है, कपड़े भी यहाँ पर पड़े हैं। बाय बाय फ्रेंड्स। बना रही हूँ मैं तो, चाय बन रही है बेटा, पापड़ बना लिए मैंने। आप क्या कर रहे हो ये बताओ? मैं पापड़ खा रहा हूँ। अभी कहाँ खाए हैं? अभी तो कान्हा जी खा रहे हैं पापड़। कान्हा जी पापड़ खा लो, अभी तो देख मेरे लड्डू खा रहे हैं पापड़। पार्थ क्या कर रहा है यहाँ पे लेट के? गंदू पार्थ। मेरी जोत चल रही है, देखिए। अगर पूजा में जोत चलती है तभी ऐसा लगता है कि हम नवरात्रे चल रहे हैं, अगर जोत नहीं चलती पूरे दिन फिर तो ऐसा लगता है ऐसे ही डेली की तरह ही है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मुझे काफ़ी आराम है। दोपहर पता नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे लगा शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, फिर मैंने दवाई ली और थोड़ी देर के लिए मैं सोई, तब मुझे जाके थोड़ा सा आराम मिला है। और अभी मैंने बनाई है चाय और साबुदाने वाले पापड़ हैं, क्योंकि अभी उठने के बाद मुझे लगी थी भूख। बच्चे भी खा रहे हैं यहाँ पर, देखिए।
सो फ्रेंड्स देखिए अभी मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। ये कुट्टू का आटा है और ये मैं कुट्टू का आटा को छान रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी जो आटे वाली ये गेहूं के आटे वाली जो छन्नी थी ना, बस यही है मेरे पास, दूसरी नहीं है। तो मैंने सोचा है मैं एक बार इसको छान के रख लूँगी ताकि ये बार बार मुझे साफ़ करने ना पड़े। आज मैंने इसको साफ़ किया है, इसको साफ़ करने के बाद मैं देखिए आटे को पूरा छान के रख रही हूँ, उसके बाद मैं इसको डब्बे में करके रख लूँगी ताकि ये मुझे डेली छानना ना पड़े। आराम से फिर मैं इसको डब्बे से निकालूँगी और ऐसे ही रोटी पकौड़ी जो भी मुझे बनानी है बना लूँगी। देखिए देखिए आटा मैंने लगा लिया है, अभी मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। पहले मैं बनाऊँगी पराठे, उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी। ये देखिए यहाँ पर कढ़ाई मेरी, और पराठे बना लेती हूँ पहले, क्योंकि फिर कुट्टू का जो आटा होता है ना वो एकदम से पतला हो जाता है अगर हम उसको गूंद के रख देते हैं। तो जैसे गेहूँ के आटे को गूंद के रख देते हैं, ऐसा हम इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम कुट्टू के आटे के साथ। और आपने देखा है मैंने इसमें एक आलू मिक्स कर लिया था। ये देखिए कितना अच्छे से गूंद के ये रेडी हो गया है, अभी मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। यहाँ पर बन गया है मेरा कुट्टू का पराठा, मैंने पूरे पराठे बना दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर रखे हैं पराठा, हो गई खाली। सो फ्रेंड्स देखिए मेरा खाना बन गया है, कान्हा जी यहाँ पर भूख लगा रहे हैं। आलू बनाए हैं मैंने और कुट्टू के पराठे बनाए हैं, जैसे कि आप सबको दिखाया है, और चुकंदर है एंड दही है, भोग लगा दिया है लड्डू को मैंने। और अभी मैं भी खाना खाने जा रही हूँ लड्डू को खाने के बाद, एंड बच्चों को भी दे दिए हैं मैंने पराठे दही और आलू। सो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, लाइटिंग साफ़ नहीं आती रात को, आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आए। फ्रेंड्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर लव, सपोर्ट, केयर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।